जिले के सुरखी थाना अंतर्गत चितौरा के पास फोर लाइन पर स्थित मामा भांजा ढाबा पर हुए गोलीकांड के बाद अब सुरखी पुलिस ने ढाबों पर परोसी जा रही अवैध शराब पर अपनी पैनी नजर दौड़ाना शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप फोर लाइन पर स्थित ओम साईराम ढाबा पर दबिश दी, जहां लोग ढाबे के पीछे खुलेआम शराब पी रहे थे और ढाबा संचालक बलवंत सिंह भी शराब बेचते हुए पाया गया। जब पुलिस ने ढाबा की तलाशी ली तो उसमें देशी शराब मसाला के 28 पाव, देसी प्लेन के 29 पाव, अंग्रेजी शराब के मेक डबल के 40 पाव रखे मिले, जिन्हें टीआई जेपी ठाकुर ने अपने कब्जे में लेकर ढाबा संचालक बलवंत सिंह पिता कंछेदी ठाकुर निवासी मुआर थाना देवरी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम किया। सर, अभी सुरखी थाना क्षेत्र में आपके क्षेत्र में कार्रवाई हुई है शराब की, ओम साईराम ढाबा, तो सर क्या मामला है, क्या जब्ती हुई है? आज भ्रमण दौरान के देहात दौरान के भ्रमण के दौरान जो मुखबर द्वारा सूचना मिली थी कि साईराम ढाबा पर कुछ वह शराब बिक्री की जा रही है, सूचना पर हमारा बल स्टाफ की थाना बरमकेला टीम की बड़ी कार्यवाही मुहिम चलाकर आदतन शराब कोचियों को धर दबोचा।